और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गुजरात के कच्छ की, जहां पर गृहमंत्री अमित शाह नजर आ रहे हैं दौरा करते हुए, और आप देख सकते हैं विशेष विमान में वो मौजूद हैं। बिपरजॉय तूफान से किस तरह से हालात बिगड़े हैं, कितना नुकसान हुआ है, तमाम जानकारियां लेने के लिए। इससे पहले उनका कल ये दौरा होने वाला था, लेकिन खराब मौसम की वजह से वो कल नहीं आ पाए थे। और अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से जुड़ी ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तूफान के बाद किस तरह से तबाही मची है, जायजा वो ले रहे हैं। विमान में वो मौजूद हैं, आप देख सकते हैं गृहमंत्री अमित शाह जायजा लेने के लिए गुजरात के कच्छ का वो दौरा कर रहे हैं। उनकी ये हवाई यात्रा आप तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको। बिपरजॉय तूफान जिसने गुजरात में दस्तक दी थी और उसके बाद भारी नुकसान हुआ था, भारी तबाही मची थी, और कल से ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोशिश कर रहे थे कि वो कच्छ आए, दौरा करें, और आज उनके ये दौरे की तस्वीरें सामने आ रही है। तमाम टीमें यहां पर लगी हुई थी, तमाम तैयारियां यहां पर प्रशासन की तरफ से की गई थी, और अब खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने इस विशेष विमान के जरिए जायजा ले रहे हैं। गुजरात के कच्छ का जायजा लेने के लिए अमित शाह पहुंचे हैं, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जहां एक तरफ बिपरजॉय तूफान अब आगे बढ़ चुका है, राजस्थान की तरफ रुख कर चुका है, लेकिन गुजरात में कितनी तबाही बिपरजॉय तूफान ने मचाई है उसका जायजा लेने के लिए, समीक्षा करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं गुजरात के कच्छ में। और आप देख सकते हैं किस तरह से वो जायजा ले रहे हैं, तमाम जानकारियां लेने के लिए वो वहां पर पहुंचे हुए हैं। लगातार सरकार ने नजर बनाई हुई थी, प्रशासन की तरफ से तमाम गाइडलाइंस भी जारी किए गए थे, तटीय इलाकों से लोगों को हटा लिया गया था, कई लोगों को रेस्क्यू किया गया था, तमाम टीमें तैनात थी। उसके बावजूद कितना नुकसान हुआ है, कितना मंजर बदला है, इसकी तस्वीर देखने के लिए खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं गुजरात के कच्छ। एक बड़ा तूफान, काफी लंबा तूफान इसे कहा जा रहा है, अरब सागर में ये उठा, और उसके बाद गुजरात में खासी तैयारियां की गई थी इस तूफान से निपटने के लिए, इससे बचने के लिए तमाम टीमें लगाई गई थी, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की तमाम टीमें मौजूद थी गुजरात में। तूफान के बाद का यानी आफ्टर इफेक्ट क्या रहा है ये देखने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के कच्छ का वो दौरा कर रहे हैं। तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, बिपरजॉय तूफान के बाद क्या हालात इस वक्त बने हुए हैं। तो नुकसान जाहिर तौर पर काफी हुआ है, क्योंकि तूफान के बाद बारिश का कहर शुरू हो गया। अब ये तूफान राजस्थान की तरफ मुड़ चुका है, अब राजस्थान में लगातार बारिश हो रही है, लेकिन खासकर गुजरात में इसका आफ्टर इफेक्ट क्या रहा है ये जानने के लिए खुद केंद्रीय गृह मंत्री को आप देख पा रहे हैं, अमित शाह को आप देख पा रहे हैं, जो गुजरात के कच्छ का जायजा ले रहे हैं अपने विशेष विमान के जरिए। तमाम अधिकारियों से भी बातचीत उन्होंने की, तमाम जानकारियां उन्होंने ली बिपरजॉय तूफान को लेकर। एक तरफ पहले से ही अलर्ट जारी कर दिया गया था, लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया था, और अब जब ये तूफान गुजरात से आगे बढ़ चुका है, इसका असर अब गुजरात पर कोई खास नजर नहीं आ रहा है, ऐसे में खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के कच्छ का जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। धीरे धीरे आप ये तूफान देखिए डिप्रेशन की तरफ जा रहा है, इसकी जो रफ्तार थी, जिस रफ्तार से हवाएं चल रही थी वो भी काफी धीमी हो गई है। गुजरात के अलग अलग जिलों की तस्वीर हमने देखी थी, किस तरह का माहौल बना हुआ था, कई पेड़ उखड़ गए थे, कई बिजली के खंभे उखड़ गए थे, जो खासकर तटीय इलाके हैं वहां पर भारी तबाही की जो तस्वीरें देखने को मिली थी। उसके बाद आज खुद कच्छ का दौरा करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं, अपने विशेष विमान से वो दौरा कर रहे हैं।